प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भाजयुमो संभालने जा रही है। प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष विशाल राणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 67 विधानसभा क्षेत्रों में युवा सम्मेलन आयोजित कर करीब 1,00,000 युवाओं को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनावों में भाजयुमो पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालते हुए जिसके चलते मिशन 4/4 को पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक केंद्र और प्रदेश सरकार की इन जनहितैषी नीतियों को ले जाया जा रहा है। प्रदेश समेत मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी भाजयुमो संभालने जा रही है। प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष विशाल राणा ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 67 विधानसभा क्षेत्रों में युवा सम्मेलन आयोजित कर करीब 1,00,000 युवाओं को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनावों में भाजयुमो पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं जिसके चलते मिशन 4/4 को पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों को ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा घर घर जाकर पार्टी के झंडे पोस्टर बैनर पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी युवाओं को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त सरकार रही है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी स्तर पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में देश सर्वोपरि है, प्रदेश का युवा मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच परिवारवाद को बढ़ावा देने की है। आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस एक ही परिवार को पार्टी और देश की बागडोर सौंपना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने बेटों को राजनीति में एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जबकि पंडित सुखराम अपने पोते को एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार से हटकर कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता के चलते प्रदेश की चारों सीटें भारी अंतर से जीतेंगे। इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर, अमित ठाकुर, महेश सिपाहिया, पाल वर्मा, राकेश बालिया, देवेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, प्रशांत शर्मा, सुरेश कटारिया आदि भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के खून में राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि मानती है और ये भारतीय जनता पार्टी और देश का इतिहास बताता है कि इतिहास के झरोखे में हमने एक सीट पे भी केंद्र सरकार खोई है अटल जी ने, लेकिन उन्होंने कभी किसी नेता की खरीद प्रोक्त करने का विरोध किया है, देश को सर्वोपरि माना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के खून में, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में परिवारवाद है। आप केंद्र से लेकर के मंडी तक देख लीजिए, सभी के सभी कांग्रेस के नेता परिवारवाद से ग्रसित हैं। इस देश का दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि एक परिवार देश की आज़ादी के बाद देश की कमान संभालता है और 72 वर्ष के बाद भी उसी परिवार का सदस्य जो है उसको कांग्रेस चाहती है कि वो देश का नेतृत्व करे।